हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं अपने चैनल पे आप सबका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव रहेंगे सफलता अवश्य मिलेगी। आप सबके चेहरे पे मुस्कुराहट हो, आप सब स्वस्थ हों, आप सब स्वस्थ रहेंगे तो हम भी स्वस्थ रहेंगे। आप सबका सोल पर्पस पूरा हो, आप सबका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता जाए, आप सबका सोल पर्पस पूरा हो और आप सबकी रियूनियन हो। मेरे दिल से दुआ है, मेरे ईश्वर से दुआ है, आप सब आगे बढ़ते जाएं और स्ट्रांग भी होते जाएं। डियर माय सोल फैमिली, माय व्यूवर्स, माय सब्सक्राइबर्स, आप सबका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता ही जाएगा, ये मुझे पूर्ण विश्वास है, और आप सब अपना सोल पर्पस पाएंगे। गॉड ब्लेस यू डियर। आप सब और आपके पार्टनर की जो एनर्जी है, वो जो मैं पिक कर पा रही हूँ डियर, ये वीडियो आप लोग के लिए है डियर। अगर ये वीडियो आपको रेजोनेट करता है तो आप ये ले लीजिए, नहीं करता है तो छोड़ दीजिए, लेकिन वीडियो पॉजिटिव होकर सुनिए, ताकि आपके अंदर और आपके आसपास सिर्फ पॉजिटिविटी ही हो। जितना आप पॉजिटिव रहेंगे, उतनी जल्दी आपको सफलता मिलेगी और आपका सोल पर्पस पूरा होगा, आपकी रियूनियन होगी। तो डियर, आपको हमेशा विश्वास के साथ आगे बढ़ना है और खुद को यूनिवर्स को सरेंडर कर देना है, खुद को यूनिवर्स को सरेंडर कर देना है और हमेशा आगे बढ़ते जाना है, पीछे मुड़कर नहीं देखना है। तो आपके और आपके डिवाइन मैस्कुलाइन की जो करेंट एनर्जी है डियर, अगर ये वीडियो आपको रेजोनेट करता है तो पूरा वीडियो आपके लिए है, लेकिन प्लीज मैं रिक्वेस्ट करूंगी, निगेटिव बिल्कुल ना सोचे। सबकी एनर्जी अलग अलग होती है, हर स्टेज पर होती है, ठीक है। तो किसी किसी की अवेकनिंग चल रही है, कुछ लोग अवेकन हो रहे हैं, कोई लोग हाई वाइब्रेशन में हैं, तो ऐसी एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ डियर। तो मैं देख रही हूँ हमारी जो फेमिनाइन है, कुछ लोग बहुत ज्यादा पेन में है, दर्द में है, उनकी एनर्जी जो है लो भी हो रही है, कुछ की एनर्जी हाई वाइब्रेशन में जा रही है डियर, ठीक है। कुछ लोग के लिए है कि वो अपने क्राउन चक्रा ओपन कर रहे हैं, चक्रा बैलेंस उनका हो रहा है। अब आपको सिर्फ पॉजिटिव ही रहना है, ठीक है, यहाँ पे बिल्कुल पॉजिटिव रहना है। मैं यहाँ देख रही हूँ आप अपने ऊपर फोकस कर रहे हो, हो सकता है कि आने वाले महीने में आपके लिए कुछ अच्छा हो, लेकिन आपको वैसे ही बैलेंस बनाकर चलना है, खुद पर फोकस करना है। स्पिरिचुअलिटी में कुछ आपके लाइफ में अच्छा होने वाला है, कुछ ज्ञान मिलने वाला है, कुछ गिफ्ट मिलने वाला है आने वाले समय में। आपको खुद पर विश्वास करते हुए यूनिवर्स को सरेंडर कर देना है और खुद पर फोकस करना है, मेडिटेट जरूर करना है बाबू, मेडिटेट कीजिएगा, आपका इंट्यूशन पावर बढ़ेगा, आपको हर एनर्जी पिक होगी और खुद को समझ पाएंगी, ठीक है। बहुत अच्छा, आपके आने वाले समय में आप अपने ऊपर काम करने वाले हो, अपने सोल पर्पस के ऊपर बढ़ने वाले हो। कुछ लोग की फ्यूचर में कुछ महीने, कुछ सप्ताह में आपके डिवाइन मैस्कुलाइन से कॉन्टेक्ट हो सकती है, या फिर बहुत लोग की हो गई है, ठीक है। कुछ लोग की नहीं हुई है, नो कांटेक्ट में है, तो वो बहुत पेन में है, दर्द में है, उन्हें समझ में नहीं आ रहा है। सोने से पहले डियर आप मेडिटेट करके ही सोना, कम से कम 10 मिनट के लिए भी आप मेडिटेट जरूर करना, तभी सोना, आपको अच्छी नींद आएगी और आप पॉजिटिव भी सोचोगे। इस वक्त आपको सिर्फ पॉजिटिव रहना है, आप आगे आने वाले समय में अपने आप में बैलेंस कर पाएंगी, आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हो आने वाले समय में, मैं ऐसा देख रही हूँ। ये दर्द पेन जो है आप एकदम बिल्कुल खत्म कर दोगे, लेकिन तभी होगा डियर कि आप पॉजिटिव रहोगे, विश्वास रखोगे और यूनिवर्स को सरेंडर खुद को कर दोगे। हर वक्त हर समय एक विश्वास के साथ आगे बढ़ना है, ठीक है। ये स्पिरिचुअल जर्नी है डियर, तो आपको इसमें आगे बढ़ना है। ये ट्विन फ्लेम जर्नी जो होता है, ये कहीं ना कहीं आपके अच्छे जर्नी की शुरुआत करने के लिए होता है। ये सेपरेशन, ये दर्द आपका जो मिलता है, वो आपको आगे बढ़कर बहुत ज्यादा सफलता देती है, क्योंकि आप ये सेपरेशन, ये दर्द को इनर वर्क से काटते हो, खुद पर बैलेंस करते हो। इनर वर्क आपको बैलेंस करता है, पेशेंस रखाता है और आपके लाइफ में ग्रोथ लाता है। स्पिरिचुअल जर्नी में आप ग्रोथ करते हो, अपने ज्ञान को बढ़ाते हो,
हर वक्त आपको यूनिवर्स एंजल गाइड करते हैं, इसलिए हमेशा ग्रेटिट्यूड देना बाबू, क्योंकि आप लोग को आगे बहुत अच्छी सफलता मिलने वाली है। लेकिन आपको यूनिवर्स एंजल मैसेज दे रहे हैं कि खुद पर वर्क रखो, वर्क करो और विश्वास के साथ आगे बढ़ो, ठीक है। आपको ये जर्नी यूं ही नहीं मिली है डियर, ये ट्विन फ्लेम जर्नी है। आपका काउंटर पार्ट इसी अर्थ पर है, लेकिन आप लोग सेपरेशन में हो, तो ये मत सोचो कि आपके डिवाइन मैस्कुलाइन पेन में नहीं है, दर्द में नहीं है। लेकिन बाबू वो इगोइस्टिक है, तो थोड़ा वो बैलेंस करना जानते हैं। लेकिन आप इमोशन होते हो तो दर्द पेन में ज्यादा रहते हो, दर्द में ज्यादा रहते हो, आप रोकर अकेले रहकर दिन काट लेते हो। लेकिन डिवाइन मैस्कुलाइन किसी से कुछ भी नहीं बोल सकते हैं, लेकिन उनको भी आपको समझना है, उनको भी हीलिंग देनी है, उनके प्रॉब्लम को भी समझना है और उनके लिए भी हीलिंग सेंड करनी है, पॉजिटिव हीलिंग, ठीक है डियर। गुस्सा नहीं होना है, लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, चेस नहीं करना है, ठीक है। आने वाले समय में अगर आपने बैलेंस कर लिया, खुद पर वर्क कर लिया, तो आपके आने वाले समय में आपको बहुत अच्छा गिफ्ट मिलने वाला है। आपके अंदर बहुत ऐसी प्रतिभा है जो उभर उभर कर आप निकल कर सामने आएगी, आप समाज के लिए कुछ कर पाओगे। ये आपकी एनर्जी की पिक कर पा रही हूँ डियर, तो इसलिए मैं बोलूंगी ये विश्वास के साथ आप आगे बढ़ना है। हर वक्त हर समय एंजल्स आपके साथ होते हैं और हमेशा आपको गाइड करते हैं, बस आपको उस चीज को पकड़ना है और आगे बढ़ना है। आप दर्द पेन में हो, आपकी एनर्जी भी लो हो रही है, कुछ लोगों की मैं देख रही हूँ पेन में, दर्द में है, लेकिन पार्टनर का इंतजार कर रहे हैं। और ऐसा नहीं कि ये एनर्जी आपके डिवाइन मैस्कुलाइन की तरफ भी जा रही है, मिरर हो रहा है डियर, तो कहीं ना कहीं वो बहुत आपको मिस कर रहे हैं, याद कर रहे हैं, वो उन्हें नींद नहीं आ रही है। तो यहाँ मैं देख रही हूँ कुछ लोगों को अभी अभी सेपरेशन हुआ है या फिर कुछ ऐसी बातें हुई है जो नो कॉन्टेक्ट में है, तो कहीं ना कहीं आप भी पेन सह रहे हो और आपके डिवाइन मैस्कुलाइन भी पेन सह रहे हैं। लेकिन बाबू यहाँ भी रोने से नहीं होगा, अपने ऊपर काम करने से होगा। आप आगे बढ़िए, बढ़ते जाइए, रुकना नहीं है, रोना नहीं है, पेन में रहना नहीं है, नहीं तो ऐसे ही टाइम बीतता चला जाएगा, ठीक है। अपने ऊपर काम कीजिए, आपके डिवाइन मैस्कुलाइन जो है ऐसे मिस कर रहे हैं और आप भी मिस कर रहे हो। याद में तेरी जाग जाग के हम रात भर करवटें बदलते हैं। तो डियर ये जो आपके डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जी है ये मैं पिक कर पा रही हूँ, कुछ लोगों की भी एनर्जी ऐसी है। तो बाबू मैं बोलूंगी जैसी आपकी एनर्जी रहेगी आपके मैस्कुलाइन की भी वैसे ही एनर्जी रहेगी। ये आपके ऊपर काम करता है कि आप जैसे जैसे इनर वर्क करते हो, बैलेंस रखते हो, पेशेंस रखते हो, वैसी एनर्जी हाई वाइब्रेशन होगा आपके डिवाइन मैस्कुलाइन की तरफ जाती है। लेकिन कभी भी आप डिवाइन मैस्कुलाइन की बातों को उनको आप समझ नहीं पाओगे, क्योंकि वो बहुत ही इगोइस्टिक होते हैं और इस ईगो को आपको बैलेंस करना है, चक्रा सीलिंग करना है, मेडिटेट करना है, ओम चैंटिंग करना है, अभी इतना आपको करना है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे आपको खुद ब खुद बहुत ऐसी मेडिटेशन आपको करनी है जो आपको खुद से अंतर आत्मा से जोड़ती है, यूनिवर्स से कनेक्ट कराती है। तो आपके मैस्कुलाइन अभी आपको याद कर रहे हैं, आपको मिस कर रहे हैं, आप ही इंतजार कर रहे हो, ऐसी एनर्जी आ रही है। लेकिन आने वाले समय में अगर आप बैलेंस पेशेंस रखते हो तो आपका सोल पर्पस भी मिलेगा, रीयूनियन भी होगी। कुछ लोगों की बात हुई है, कुछ लोगों की बात हुई है, और लेकिन फिर भी आप लोग को मैं देख रही हूँ कि आप इंतजार कर रहे हो, आप दोनों को नींद बिल्कुल नहीं आ रही है, आप दोनों ही बेचैन हो और डिवाइन मैस्कुलाइन भी नहीं सो पा रहे हैं, बेचैन है, नो कॉन्टेक्ट हो रहा है, मैं ऐसा देख रही हूँ। और कुछ लोग सेपरेशन में बहुत ज्यादा हैं, दर्द में हैं, पेन में हैं, तो यहाँ मिरर हो रहा है डियर आपके मैस्कुलाइन और आपके। तो आपको अपने ऊपर अभी काम करना है, अगर दर्द पेन हो रहा है तो खुद को हील कीजिए, चक्रा सीलिंग कीजिए, मेडिटेट कीजिए और खुद को यूनिवर्स को सरेंडर कर दीजिए और खुद पर फोकस कीजिए। अपनी फीलिंग्स को आपके डिवाइन मैस्कुलाइन दबा रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि आपसे मिले और बात करें, उन्हें बहुत पेन हो रहा है,
बहुत अपने पेन को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। डिवाइन मैस्कुलाइन को इंतजार है कि आप उन्हें कॉल मैसेज करें, लगातार आपको याद करें, सोचे जा रहे हैं, लेकिन आपसे बात नहीं हो पा रही है। डिवाइन फेमिनाइन आपको भी इंतजार है अपने पार्टनर का कि कॉल मैसेज करें, वो आप भी स्टॉक कर रहे हो और आपके डिवाइन मैस्कुलाइन भी स्टॉक कर रहे हैं। अकेलापन महसूस कर रहे हैं और आप से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उन्हें लग रहा है कि अपने आपने ही मुंह मोड़ दिया है, आप उन्हें इग्नोर कर रहे हो, लेकिन दोनों तरफ बराबर है आग लगी डियर, दोनों एक जैसे ही सोच रहे हो। यहाँ भी मिरर हो रहा है, हर कुछ आपको अंधेरा दिख रहा है, हर जगह आपको अंधेरा दिख रहा है। डिवाइन फेमिनाइन समझ में नहीं आ रहा है, वैसे ही आपके डिवाइन मैस्कुलाइन की भी एनर्जी है, उनको चाहत है कि आपसे एक बार बात हो, लेकिन खुद को कंट्रोल कर रहे हैं, पेशेंस रख रहे हैं। आपके डिवाइन मैस्कुलाइन खुद पर आप वर्क कर रहे हो, लेकिन फिर भी आप हार मान रहे हो, ठीक है, फिर भी आपको लग रहा है कि कुछ हो ही नहीं रहा है। आप कभी कभी चिड़चिड़ापन आ रहा है, आपको गुस्सा आ रहा है और आपका हर पल दिमाग डिवाइन मैस्कुलाइन की तरफ जा रहा है, लेकिन यहाँ पे मैं बोलूंगी कि खुद पर आपको कंट्रोल रखना होगा डियर। अगर ऐसे ही चेस करते रहोगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। हमेशा आपको आस रहती है कि आपके डिवाइन मैस्कुलाइन आपसे बात करें और कॉल मैसेज करें, यही आपके डिवाइन मैस्कुलाइन सोच रहे हैं कि आप उन्हें कॉल मैसेज करो। डिवाइन फेमिनाइन आप थका थका महसूस कर रहे हो, आप दोनों ही मिरर कर रहे हो। डिवाइन मैस्कुलाइन को लग रहा है कि अब मेरी जिंदगी में फिर से वो बाहर नहीं आएगी, फिर से मुझे डिवाइन फेमिनाइन का प्यार नहीं मिल पाएगा, ऐसा सोच रहे हैं, सोचे जा रहे हैं कैसे क्या करूं, मैं भटक रहा हूं। डिवाइन मैस्कुलाइन बोला, मैं भटक रहा हूं, तुमसे मेरा साथ छूट रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है, लेकिन मैं तुम्हारे यादों के सहारे मैं जी रहा हूं, मैं अपने आप को बिजी रखने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन मेरा यहाँ दिल दिमाग नहीं लग रहा है, हर पल हर समय तुम मुझे याद आ रही हो, कुछ अच्छा फील नहीं हो रहा है। ऐसी एनर्जी दोनों की है डियर, आपकी भी है, आपके डिवाइन मैस्कुलाइन की भी है। तो मैं यहाँ देख रही हूँ कि यहाँ भी मिरर हो रहा है, ठीक है, लेकिन यहाँ आने वाले समय में मैं देख रही हूँ कि डिवाइन फेमिनाइन आप अपने ऊपर काम करते हैं तो आपके डिवाइन मैस्कुलाइन का कॉल मैसेज आ सकता है, लेकिन जब आपके डिवाइन मैस्कुलाइन का कॉल मैसेज आता है तो बिल्कुल पेशेंस रखना है और अच्छे से बात करना है, लड़ाई झगड़ा बिल्कुल नहीं करना है, ना ही आपको चेस करना है, ठीक है, आपको खुद पर अपने ऊपर वर्क करना है, लेकिन अपने डिवाइन मैस्कुलाइन अपने पार्टनर के लिए भी अच्छी हीलिंग सेंड करनी है। मुझे देखना है तुम्हें एक बार, मुझे दिखना है एक बार, तेरे लिए ही दिल धड़कता है, ये है आपके डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जी डियर। बस ऐसे ही सोचे जा रहे हैं आपको लेकर, नींद नहीं चैन नहीं है, बस आपकी और निगाहें हैं, स्टॉक कर रहे हैं, लेकिन वो कार्मिक कनेक्शन में भी अटके हुए हैं, वहां से निकलना चाह रहे हैं, वो चाह कर भी नहीं निकल पा रहे हैं, क्योंकि उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कुछ फैमिली की दबाव है, उसमें वो फंसे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं डियर आपको उनकी फीलिंग समझनी होगी, खुद पर वर्क करना होगा, अच्छे से मेडिटेट करना होगा और टेलीपैथी से आपको बात करनी होगी, एकांत में बैठकर। अगर आप मेडिटेट कर रहे हो, अच्छे से मेडिटेशन कर रहे हो, अपने आप को बैलेंस कर लिया है, और तो ये जो आपकी एनर्जी है, जरूर आपके डिवाइन मैस्कुलाइन के पास ये मैसेज जाएगी, तो आप ये काम जरूर करें, खुद पर वर्क करें, यूनिवर्स से कनेक्ट करते रहिए, यूनिवर्स से मैसेज मांगिए, कोई ना कोई मैसेज आपको देंगे, एंजल से हमेशा कनेक्ट रहिए, हेल्प मांगिए, हमेशा आप आगे बढ़ते रहिए, आगे मंजिल आपके लिए इंतजार कर रही है, आपके लाइफ में बहुत सारी खुशियां हैं, अवेंडेंस है, जब तक आप खुद पर वर्क नहीं करते हो, बैलेंस नहीं रखते हो, तो जब तक ये आपका सोल पर्पस पूरा नहीं होगा। ये सिर्फ आपके अंतर आत्मा से जुड़ने के लिए ये सेपरेशन मिला है, सोल पर्पस के लिए मिला है, रीयूनियन के लिए मिला है, यानी कि आप खुद पर वर्क करें, खुद की कदर करें, खुद को समझें, आपके पास कौन शक्ति है, जो भी प्रतिभा आपको उभर कर लाना है और आपको पूरे दुनिया पे छाना है, आप एक शक्ति हो, शक्ति स्वरूपा हो, ये मानकर चलना है, लेकिन आपके काउंटर पार्ट कहीं भी है, ये आपको सोच कर चलना है कि जितना आप सोचते हो
वो भी उतना ही सोचते हैं। आप उनके दिल दिमाग से दूर नहीं होते हो, हर वक्त हर समय आप उनके साथ होते हो। आपकी एनर्जी चाहिए, आपकी हीलिंग चाहिए आपके काउंटर पार्ट को, तो डियर खुद को बैलेंस कीजिए, पेशेंस रखिए, यूनिवर्स को सरेंडर कीजिए, ठीक है। हमेशा एंजल से गाइडेंस मांगिए, प्रोटेक्शन मांगिए और आगे बढ़ते रहिए, ठीक है। तो ये थी आपके और आपके डिवाइन मैस्कुलाइन की करेंट एनर्जी। कार्मिक के साथ डील कर रहे हैं, कुछ लोगों के साथ अच्छा नहीं हो रहा है, अपने ऊपर आपके डिवाइन मैस्कुलाइन काम कर रहे हैं, काम पर फोकस कर रहे हैं, किसी न किसी तरह से खुद को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए जब वो खुद को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं डियर, तो आपको भी खुद पर वर्क करना है, खुद को बैलेंस करना है, तभी आपकी रीयूनियन होगी। इस बीच कॉल मैसेज आता है तो आप बात करो, लेकिन देख लेना कि अगर आप मिलते हो तो यहाँ पे होता है कि ये जर्नी की शुरुआत है डियर। तो मैं ये बोलूंगी कि अगर आप मिलते हो तो आप हीलिंग देते हो तो आपके डिवाइन मैस्कुलाइन आपकी एनर्जी लेकर चले जाते हैं, फिर वहां जाकर अपने लाइफ में अपनी फैमिली को वो एनर्जी देते हैं। लेकिन आप किस स्टेज पे हो ये आपको सोचना है, मैं आपको गाइड कर रही हूँ। खुद पर वर्क कीजिए, खुद को समझने की कोशिश कीजिए, कब कहाँ कैसे आपके डिवाइन मैस्कुलाइन को हीलिंग देनी है, कब बात करनी है, ये आपको खुद वर्क करना है डियर, ठीक है। इसलिए कभी कभी आपकी हीलिंग वो लेकर चले जाते हैं, खुद की फैमिली को देते हैं, खुद को देते हैं और वो अपने काम को देते हैं। तो आप कहाँ हो, कैसे हो, ये आपको सोचना है, क्योंकि इस वीडियो पे हर तरह की एनर्जी होती है, क्योंकि हमारी फैमिली अलग अलग स्टेज पर होती हैं। इसलिए किसी की शुरुआत है, कोई हाई वाइब्रेशन में है, कोई अपने ऊपर वर्क कर रही है, कोई नो कॉन्टेक्ट में है, कोई इंतजार कर रही है। तो डियर हर तरह की एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ, इसलिए आप अपने ऊपर वर्क कीजिए और आगे बढ़ते रहिए, ठीक है। तो आपके और आपके डिवाइन मैस्कुलाइन की एक करेंट एनर्जी थी, आपको आपके डिवाइन मैस्कुलाइन को उस परेशानी से निकालना है, उस कार्मिक के लाइफ से निकालना है, ऐसे निकालना है कि जहाँ वो फंसे हुए हैं वहां से निकालना, ये आपका काम है डियर, उनको हीलिंग देना, ठीक है। लेकिन खुद पर बैलेंस पेशेंस रखना है, कितना आप हीलिंग दे सकते हो, कितना आप अपने मैस्कुलाइन से बात कर सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि आने वाले समय में आप अपने ऊपर काम करोगे तो आपको अच्छी एनर्जी मिलने वाली है, आपका क्राउन चक्रा ओपन होने वाला है, आपको पॉजिटिव रहना है, चक्रास हीलिंग करना है, क्योंकि बहुत लोग को मैं देख रही हूँ चक्रा बैलेंस हो रहा है और आगे जाके क्राउन चक्रा ओपन होने वाला है। तो देख लीजिए किसकी किसकी एनर्जी है डियर। अगर ये वीडियो आपको रेजोनेट करता है तो आप लीजिए, नहीं करता है तो छोड़ दीजिए, लेकिन पॉजिटिव होकर सुनिए, क्योंकि पॉजिटिव ही आपको सफलता देती है डियर। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो मेरे कमेंट में जरूर लिखिएगा, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल, आई एम सो ब्लेस्ड, आई एम ब्यूटिफुल, ऐसे करके आप कुछ भी अच्छी सी एनर्जी आप मेरे कमेंट में जरूर लिखिएगा डियर, क्योंकि जो आप एनर्जी देते हो वही हाई वाइब्रेशन होकर यूनिवर्स में जाती है डियर। सो डियर, ये थी आपके और आपके डिवाइन मैस्कुलाइन की करेंट एनर्जी। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सो थैंक यू सो मच।